सो चलिए गाइस, आज हमें सीखना है कि किस तरह से हम लोग रेट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करें। तो देखिए बहुत आसान है, ट्रिक पे गौर कीजिएगा क्या करना है, ठीक है। सो इसमें आपको सिर्फ मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको लॉजिक देखना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो ट्रिक देखिए क्या करना है, सपोज आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। और ये स्पेशली कहाँ होता है, ये आपको स्पेशली 12th के जो स्टूडेंट हैं जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जो अभी पढ़ रहे हैं ये उनके लिए है एक शॉर्ट ट्रिक। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में लिखा है कि ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, ठीक है, विल गिव यू सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, ऐसा दिया है। अब जरा ध्यान से समझें, यहां पर सबसे पहले तो इस रिएक्शन को देखें, यहां पर सबसे पहले पहचान है कि रिएक्टेंट कौन है। सो रिएक्टेंट है यहां पर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, पहली चीज तो ये। प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, सो प्रोडक्ट है यहां पर सी कैपिटल एंड डी कैपिटल। ना व्हाट अबाउट स्टोइकियोमेट्री, अब ये जो है ना स्मॉल ए स्मॉल बी, दीज आर कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्मॉल डी इन स्मॉल डी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये सब चीजें, यहां पर जो मैंने यहां पर लिखा है उसका मतलब क्या है। अब यहां पर अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है तो बहुत सिंपल काम करना है आपको, क्या करना है आपको, सिर्फ इतना चीज ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो आपको नेगेटिव का साइन लगाना है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है, सबको समझ में आ गया। और प्रोडक्ट के केस में आपको पॉजिटिव, यानी कुछ लिखना ही नहीं है, पॉजिटिव होगा वो, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, सबको समझ में आ गया। अब अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, बहुत सिंपल काम है। एक तो आपको रिएक्टेंट केस में नेगेटिव का साइन लगाना है, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव का साइन लगाना है, और दोनों केस में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है हर एक एक्सप्रेशन को। बस आपको इतना फंडामेंटल चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट ये, सेकंड ये कि आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मैं एग्जांपल भी दूंगा, जरा ध्यान से उसको देखिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आपकी खास बात क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की आप किसी भी टर्म में लिख सकते हैं उसको, आप ए के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, आप बी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, आप सी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, आप डी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ए के रिस्पेक्ट में लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ए क्या है, रिएक्टेंट, तो सबसे पहले आप माइनस का साइन लगाओगे, क्योंकि रिएक्टेंट केस में माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद आपको उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है, ये लीजिए उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, ए की स्मॉल है, उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन उसका मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीसी बाई डीटी, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बोलते हैं, सबको समझ में आ गया। या फिर इसको डेल सी बाई डेल टी भी कह सकते हैं। अब ये जो dc by dt लिखा है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और डेल सी बाई डेल टी लिखा है उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बस इतना सा ही फर्क होता है, वहां पर टाइम डोमेन थोड़ा ज्यादा होता है, यहां पर टाइम डोमेन बहुत ही कम होता है, बस इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन को लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज वेरी सिंपल, अगर ए के रिस्पेक्ट में लिखना है क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, उसकी स्टोइकियोमेट्री नीचे आ गई, और उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज वेरी सिंपल, डी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को यूं लिखेंगे, मैंने लिखा ना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, ए की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो नीचे क्या लगाओगे, वेरी सिंपल। देखिए अब देखिए, अगर आपको B के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या करोगे, B इज ऑल्सो रिएक्टेंट, तो माइनस का साइन लगाओगे, उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो B है, 1 अपॉन B डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट, खत्म, सबको क्लियर हो गया, इस तरह से लिखने एक्सप्रेशन को। अगर आपको सी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो सी के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, मैं उधर की तरफ बजाय इस तरफ लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सी क्या है, सी यहां पर प्रोडक्ट है तो आपको प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद वन अपॉन, देखिए स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, स्मॉल सी, तो मैं स्मॉल सी को यूं लिख देता हूं ताकि आपका क्या हो, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है, डिवाइड कर दिया। उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सी क्या है यहां पर, प्रोडक्ट, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसके अलावा अगर आपको D के रिस्पेक्ट में लिखना है तो आपको प्लस का साइन लगाना है, सबसे पहले D की स्टोइकियोमेट्री से उसको डिवाइड करना है, उसके बाद D की
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सारी वैल्यूज इक्वल आएंगी, आप इसमें से कुछ भी निकाल लीजिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं जिसे एग्जांपल के थ्रू ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज आपको एग्जांपल दिया, देखिएगा ध्यान से, सपोज आपको एग्जांपल दिया कि यहां पर लिखा है H2O2, ठीक है, एक लाइव एग्जांपल देता हूं, H2O2 देखिए वो डीकम्पोज होकर क्या देगा, H2O+O2। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि आपको इसमें हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मिलेगा, अगर बैलेंस नहीं मिलेगा तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री तो चेंज होने की वजह से आपके रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। सो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि बैलेंस नहीं मिला तो आपको बैलेंस करके आप खुद ही सोचिए, बैलेंस तो कोई भी स्टूडेंट 10 तरीके से कर सकता है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको सोचना ही क्यों। तो H2O2 डीकम्पोज होके H2O+O2 देगा, पहले ये ऑलरेडी बैलेंस मिलेगा तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूं मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अगर मैं 2 लगा दूं तो यहां पर भी 2 लगा दूं, ये बैलेंस्ड है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन में आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही मिलेगा। अब इसके लिए पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो फटाफट से देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है रिएक्टेंट और ये दोनों क्या है प्रोडक्ट, सबको समझ में आ गया। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में पहचान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके बाद आपको रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन और प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन लगाना है। तो अगर आपको यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर माइनस का साइन लगाइए, उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है जरा चेक करो, स्टोइकियोमेट्री उसकी 2 है तो 2 से डिवाइड कीजिए, कर दिया। उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, टाइम। वेरी सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन H2O2 के रिस्पेक्ट में आएगी, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट के केस में आपको क्या लगाना है, ये इक्वल होगा, ये वैल्यू उसके इक्वल आएगी, जहां जो रेट ऑफ रिएक्शन आप H2O के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसके भी इक्वल आएगी, ठीक है। सो फाइनली क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो आपको क्या लगाना है, प्लस का साइन, उसकी स्टोइकियोमेट्री से उसको डिवाइड कीजिए, कर दिया। उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम। देखिए कितना आसान है, अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालिए, ऑक्सीजन क्या है एक प्रोडक्ट, उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी दिखाई दे रही है, नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, करो या नहीं करो फिर भी लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रखें यहां पे स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया गया है। और साथ में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इतना आसान काम है। एक लास्ट क्वेश्चन और करके दिखाता हूं जिससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। सपोज अगर आपको ऐसे दे दें, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लिखा है 1/2 a प्लस, ठीक है, b विल गिव यू 1/3 c, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल है। अब देखिए यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यहां पर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2, यहां पर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है 1 और यहां पर है 1/3, सबको समझ में आ गया। पहले देखिए कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ करते थे, जरा ध्यान से इसको देखिए, 2, 2 और 1, अभी कैसे है 1/2, 1 एंड 1/3। अब आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ इस तरह से, तो उसको उसे वैसे ही डील करो, घबराओ मत। तो अगर आपसे कहे कि इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो देखिए बहुत आसान है, अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, वो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगाऊंगा, लगा दिया। उसके बाद आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, नाउ व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज हाफ, ठीक है, तो उससे डिवाइड करूंगा 1/2, 1/2 डिवाइड कर दिया, और फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हुआ, -2 dA/dt, ये देखिए, आप ब्रैकेट लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो फाइल -2 dA/dt इसकी वैल्यू आएगी, सबको क्लियर हो गया। तो जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही आप क्या करो, बी का आप खुद दे निकाल लेना क्योंकि इसका तो 1 ही है, मैं सी का निकाल के दिखा देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, क्योंकि सी एक प्रोडक्ट है तो आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन, फिर उसकी स्टोइकियोमेट्री से क्या करोगे, डिवाइड, सो 1/3 दिखाई दे रहा है सब लोगों को। उसके बाद देखिए dC/dt, जरा ध्यान से इसको देखिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सबको दिखाई दे रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए यहां पर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, यहां पर दैट इज +3 dC/dt, दैट्स इट, इतना आसान है ये,
तो देखिए ये शो ट्रिक आपको बहुत मदद करेगा, ध्यान से उसको देख लीजिए किस तरह से करना है। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव का साइन, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव का साइन, व्हाटएवर बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उससे हमेशा आपको डिवाइड करना है एक्सप्रेशन लिखते टाइम। इस वीडियो से आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। सो ये मेरी तरफ से ट्रिक हुआ। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब आप इसको क्या करिए, इसको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखिए कि आपके क्वेश्चन के एक्सप्रेशन निकल पा रहे हैं कि नहीं। सो गाइज जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करें जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फिजिकली खत्म कर चुका हूं। इसके अलावा अभी केमिकल कैनेटिक्स चल रहा है। जो बच्चे नए हैं तो प्लीज आप एक बार चैनल को विजिट कर लें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का भी फायदा उठा के अपने चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं। 11th के स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और 12th के स्टूडेंट के लिए यहां पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। पैरेलली अपना कोर्स आप खत्म कर सकते हैं अगर आप थोड़े से भी अवेयर है तो। सो गाइज प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस, सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उसको दबाएंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का समय से मिल पाएगा। सो चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन आप याद रखिए होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है जिसको आपको फटाफट से देख लेना है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।